भर भर के वोट दिए, भर भर के वोट दिए। आज हमारी ये स्थिति है कि हम पछता रहे हैं कि इनको वोट क्यों दिया। बीजेपी के लीडर ने ये सामने सामने हमें ये बोल दिया कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। इसलिए मरने के कगार पर है बस, और साढ़े को कुछ भी नहीं है, मरने के कगार पर है, क्योंकि इन्होंने साडा सीधा सीधे नोटिस लगाई उड़े है। जो नोटिस कुतरे नोटिस होने कितना टाइम लगेगा? 2 दिन का, 3 दिन का टाइम खाली करो। 19 तारीख के बाद मतलब कि आखने दी गल है, एक बार का कोई बंदा ये इथे रेडी लगांदा है वो पक्का हो जांदा है। 1960 दे बैठे थे, 1960 दे पक्के गॉड मैन दे कन्ने आरसी दा 1960 मार्च महीने तक साडा किराया क्लियर है। ए जून महीना म्युनिसिपैलिटी किराया लेगी इथे साडे कोल। अज म्युनिसिपैलिटी साडा कुछ नहीं करेगी, अगर म्युनिसिपैलिटी नहीं कुछ करेगी, गवर्नमेंट सारा कुछ नहीं करेगी, तो साडा कौन करेगा? कितनी दुकानें उठ रही है? ये 39 दुकानें हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये सरकार को पता है, ये लोग जाएंगे, इनका भी एक ऑप्शन को मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी जेपी के लीडर ने ये सामने सामने हमें ये बोल दिया कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अच्छा, हाँ जी, अभी हम शुभम किशोर शर्मा वोट लेने के लिए भर भर के, देखो भर भर के वोट दिए, भर भर के वोट दिए। आज हमारी ये स्थिति है कि हम पछता रहे हैं कि इनको वोट क्यों दिया। के बीच आते थे, आश्वासन देते थे, इन्होंने आपका समय है, आज आपका समय, आज कोई नहीं हमारे साथ, आज कोई नहीं है, सीधे सीधे सामने सामने कह रहे हैं। ये हमने खुद, ये जितने भी झंडे ये हमारे झंडे हैं, हमने खुद लगाए हुए हैं ये वाले झंडे, हम तो पछता रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हम कहाँ जाएंगे? इस वक्त 10-10 लाख रुपए की लिमिट है। लोग नेता क्यों चुनते हैं? नेता चुनते हैं, हमें इन्होंने बोला था कि हम, साहब आपने बोला था जम्मू ट्रिब्यून के पोर्टल में, आपने बोला था हमने हट रहे हैं, अब इन पे विश्वास नहीं कर रहे, पर किस पे करना विश्वास? हाँ, वो उन्होंने तो बहुत काफी जोर लगा रहे हैं, वो तो जितना जोर होता है उनका होता वो लगा रहे हैं। वोट दिए थे, आज आपका नेता कहाँ है? नेता क्या है ही नहीं नेता, वोट तो दिए, कभी वोट दिए, कभी वहाँ तक सेंटर में पहुँचे हैं। इनको सेंटर में इसलिए तो भेजा था कि जाके जाओ भाई, हमें उजाड़ने का काम करो। अभी क्या देखो, हम क्या कह सकते हैं, ये अपने वादे पे खुद पीछे हट रहे हैं। इन्होंने खुद ही कहा था कि पहले तो आपको दुकानें जाएंगी नहीं, अरे दुकानें जाएंगी, पहले आपको दुकानें दी जाएंगी, फिर उसके बाद तोड़ी जाएंगी। अब ये कल रात को इन्होंने ये निकाल दिया, किसी को 50,000, किसी को 60,000 रुपये दे रहे हैं, उससे क्या ये वो भी अपने पास रखे, वो तो हम वो भी नहीं लेंगे। पवन सिंह को झंडा लेकर आए, क्या कहेंगे पवन सिंह? जो उन्होंने बेचारों ने जितना जोर लग रहा वो लगा रहे हैं, वो तो उन्होंने खुद ही कहा भाई, अब ये उजड़ने का कगार पे खड़े हुए हैं। होश में आओ, 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 होश में आओ,